हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, इस गेम को फील्ड में खेलना है। मेक फोर ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड, फोर ग्रुप्स बनाने हैं और ह्यूमन चेन्स बनानी है जैसे आप लोगों को बताया गया है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईडू मिशमी डांसर्स। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, फर्स्ट ग्रुप ने इस तरीके से अपने आप को होल्ड करना है और इस तरीके से चेन बनानी है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड आर्म्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सेकेंड ग्रुप ने जो अपनी चेन बनानी है उसमें हाथों को होल्ड करना है, सिर्फ हाथ उनके एक दूसरे को होल्ड होने चाहिए। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। थर्ड ग्रुप ने क्या करना है, एक दूसरे को टच करना है लेकिन सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स के साथ। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक थ्री ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। जो फोर्थ ग्रुप बच गया है स्टूडेंट्स का, उसे दौड़ना है और ये जो तीन ह्यूमन चेन्स बनी है इनको वन बाय वन ब्रेक करने की कोशिश करनी है, जितने छोटे छोटे ग्रुप्स में वो उसको तोड़ सके। विच ग्रुप वाज इजिएस्ट टू ब्रेक, कौन सा ग्रुप था जिसको आसानी से तोड़ा जा सका था, व्हाई और ऐसा क्यों हुआ। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर आप हर स्टूडेंट को मैटर का पार्टिकल मानते हो, then in which group the particles held each other with the maximum force, तो किस ग्रुप में जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को सबसे ज्यादा फोर्स के साथ होल्ड यानी कि पकड़ा हुआ था। एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, एक लोहे की किल ले, अ पीस ऑफ चाक, एक चाक का पीस ले, एंड रबड़ बैंड, और एक रबड़ बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, उसको आप हैमरिंग मतलब हथौड़े से कटिंग कट करोगे और स्ट्रेच पर खींच के उनको तोड़ना है। ब्रेक करने के लिए आयरन नेल के लिए आपको हैमरिंग या हैमर करना है यूज, चाक के लिए आप कटिंग करोगे और रबड़ बैंड के लिए स्ट्रेच करोगे। इन विच ऑफ द फॉलो ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स एक्ट टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, तीनों में से किस सब्सटेंसेस में जो फोर्स थी वो ज्यादा थी, मतलब जिनमें पार्टिकल्स ने एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था। तो दोनों एक्टिविटीज में हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप यानी कि इस स्टाइल में जिन्होंने अपने आप को होल्ड किया था उनका बोन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन है वो आयरन नेल का हमें देखने को मिलेगा। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में कुछ पानी लें। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से पानी की सरफेस को कट करने की कोशिश करें। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वॉटर, क्या आप पानी की सरफेस को कट कर रहे थे, यस। वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वॉटर रिमेनिंग टुगेदर, पानी की जो सरफेस है वो इकट्ठी रहती है उसकी वजह क्या है। द अबव थ्री एक्टिविटीज, जो अभी हमने तीनों एक्टिविटीज पढ़ी, सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ये सजेस्ट करती है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होती है। This force keeps the particles together. इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे रहते हैं। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ये जो force of attraction है, ये एक से दूसरे मैटर में अलग अलग होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। क्वेश्चन आ गए हमारे पास। Which of the following are matter, इनमें से कौन कौन सी चीजें मैटर है। चेयर, यस, चेयर एक मैटर है क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और इसका कुछ मास भी होता है। एयर, एयर का भी मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लव, लव का कोई मास नहीं है और ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसीलिए लव आपका मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल जो होती है, अब यहाँ पे जो स्मेल होती है वो एक्चुअली होती तो किसी ना किसी गैस की वजह से ही है, लेकिन कई बार इसको मैटर भी मान लिया जाता है और कई बार इसको मैटर में मानते भी नहीं है, बट मेरे हिसाब से दिस इज अ मैटर, ये एक मैटर होती है। हेट, नफरत, नफरत का कोई मास नहीं है और ना ही कोई इसका स्पेस ऑक्यूपाई होता, तो इसलिए ये एक मैटर नहीं है।
आलमंड्स यानी कि बादाम, बादाम एक मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनकी एक फिक्स शेप भी होती है, एक मास है और ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसलिए ये भी एक मैटर है। थाउट, थाउट मतलब सोच, सोच का ना कोई स्पेस है और ना ही कोई मास होता है, तो इसीलिए ये एक मैटर नहीं है। कोल्ड, जुकाम, जुकाम का भी कोई मास या फिर कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। लेमन वाटर, नींबू का पानी, बिल्कुल ये एक मैटर है क्योंकि इसका कुछ मास होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम भी यहाँ पे वही चीज आ गई, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैं यहाँ पे इसको मैटर की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि ये किसी ना किसी गैस की वजह से है और उस गैस का एक पर्टिकुलर मास भी होता है और वो जगह भी ऑक्यूपाई करती है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन है उसका रीजन बताना है। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, जो खाना गर्म है उसकी स्मेल हमें काफी दूर से ही पहुंच जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, लेकिन अगर ठंडे पानी की सॉरी ठंडे खाने की स्मेल हो उसके लिए हमें बहुत पास जाना होता है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब अपन हॉट सिजलिंग फूड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमने फूड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। उस टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो फूड के अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी होने से जो डिफ्यूजन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन रेट क्या होता है, एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो जाना। तो जब डिफ्यूजन प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, जो फूड पार्टिकल्स हैं जो जिनकी वजह से स्मेल आ रही है वो जल्दी एयर में डिफ्यूज हो जाएंगे और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो हमें दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर है जिसने क्या किया, स्विमिंग पूल में पानी के कट हो गया मतलब पानी को चीरता हुआ वो जा सकता है। Which property of matter does this observation show? ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ये मैटर की ये प्रॉपर्टी शो करता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। वीक होने की वजह से एक डाइवर जो है वो इजीली उसको कट कर सकता है और आगे जा सकता है। इसकी वजह से हम लोग ये भी, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी ज्यादा है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कहेंगे कि वीक होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी है वही इसका आंसर आएगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, लगातार उनका मोशन होता रहता है। और तीसरा जो हमने आज पढ़ा है कि पार्टिकल्स जो है किसी भी मैटर के वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपने मैटर के पार्टिकल्स की पढ़ी है। अगर एक एक लाइन की बात करें तो एक तो ये आ जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड आपका ये आ जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और थर्ड आपका ये आ जाएगा, मैटर ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। तो इस तरीके से ये चार क्वेश्चन आप लोगों के डन हुए। नेक्स्ट हम लोग अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।